का शोभा यात्रा सीतामढ़ी के जिले के इतिहास में पहली बार माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का शोभा यात्रा उनके जन्मोत्सव पर निकाला जा रहा है और जगत जननी माँ जानकी के जन्मस्थली से यह पीताम्बरा का जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है ये बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही ऐतिहासिक होगा। हमारे जिला में ही नहीं अपितु या पूरे बिहार में कहीं अभी ये शोभा यात्रा माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का नहीं निकलता है और पहली बार आयोजन किया गया है। और इस बार यह जयंती भव्य तो होगा ही, आगे से हर साल मनाया जाएगा और आगे से इससे भी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। और हम तमाम सीतामढ़ी जिले के वासियों से एवं तमाम जो हमारे आयोजन समिति के जो लोग जो आयोजन समिति जो हमने बनाया है समिति के सभी लोगों से एवं माँ पीताम्बरा फाउंडेशन से जुड़े तमाम जितने भी देश भर से लोग हैं, चूँकि हमारे पीताम्बरा फाउंडेशन से बिहार, झारखंड, दिल्ली, कलकत्ता सहित नेपाल से भी लोग जुड़े हैं, तमाम लोग इसमें भाग लेंगे और तमाम लोग भाग लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। और इस आयोजन का एक उपलक्ष्य और भी है, एक और भी हम लोगों के मन में एक माँ पीताम्बरा का मंदिर बनाने का इच्छा हुआ था। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह जो पीताम्बरा प्रतिष्ठान है यहाँ जगह बहुत कम था, भीड़ बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए हम लोग जमीन का सोच रहे थे। संजोग से बगल में ही जहाँ इस दिन ये पूरा शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिस जमीन से वह जमीन पीताम्बरा फाउंडेशन के लिए अधिकृत कर लिया गया है, भव्य मंदिर बनेगा माँ पीताम्बरा का। इस सीतामढ़ी जिला में माँ जानकी के जन्मस्थली से स्वयं शक्तिपीठ तो कामाख्या से लेकर के बहुत सारा शक्तिपीठ अपने देश में है, बट सीतामढ़ी माँ जानकी का जन्मस्थली है इसलिए स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। और यहाँ का ये माँ बगलामुखी का माँ पीताम्बरा का जो ये मंदिर होगा ऐतिहासिक मंदिर होगा, ये पूरे देश प्रदेश में सबसे विख्यात मंदिर होगा। और अब इसके आगे का जानकारी जो ये कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं अब वो आगे जानकारी दें। दरअसल है और हम लोग का जो मंदिर के लिए जो जगह हम लोग अलॉट किया गया है, हम लोग अपने तरफ से जो किए हैं मंदिर का जो उसी स्थल से करना है, उसी स्थल बस वहीं से निकलेगा वो, होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ डुमरा से नारायणपुर होते हुए आपको डुमरा थाना होते हुए पूरा शहर के मेसवाल चौक होते हुए जानकी मंदिर होगा। जानकी मंदिर में 5 मिनट का वहाँ दर्शन होगा, उसके बाद होते हुए फिर वापस कारगिल चौक होते हुए मतलब गौशाला रोड होते हुए कारगिल चौक होते हुए इसका समापन फिर वापस यहाँ पर होगा। और इसमें एक बड़ी बात और है कि यहाँ मंत्री केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी भव्य शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे और जिनका ये 10 बजे सुबह से हम लोग का निकालने का समय निर्धारित किया गया है। और ये पूरा ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा और पूरे जिले वासियों से अपील है कि इसमें भारी से भारी संख्या में शामिल होकर इसको ऐतिहासिक बनाए। आगे संयुक्त सचिव हमारे आशुतोष कुमार हैं,